और इस बीच मिशन चंद्रयान 2 को लेकर एक और अच्छी खबर आई है। इसरो ने लैंडर विक्रम को लेकर ऐसी जानकारी दी है जिसने करोड़ों भारतीयों के चेहरे पर फिर से मुस्कान और उम्मीद की आस जगा दी है। इसरो ने कहा है कि ऑर्बिटर से अलग हुआ लैंडर विक्रम पूरी तरह सुरक्षित है। मिशन चंद्रयान 2 को लेकर इसरो की उम्मीदों को फिर बल मिला है। इसरो ने दावा किया है कि लैंडर विक्रम पूरी तरह सुरक्षित है। इसरो के मुताबिक हार्ड लैंडिंग के बाद भी लैंडर विक्रम में कोई टूट फूट नहीं हुई है। लैंडर का पूरा भाग चांद की सतह पर थोड़ा टेढ़ा पड़ा है। चंद्रयान 2 के मिशन को लेकर इसरो ने अभी उम्मीद नहीं छोड़ी है। इसरो ने ये भी कहा कि लैंडर विक्रम से संपर्क स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले कल इसरो ने जानकारी दी थी कि ऑर्बिटर ने लैंडर विक्रम का पता लगा लिया है। इसरो ने लैंडर की थर्मल इमेज भी शेयर की जिसे ऑर्बिटर के जरिए खींचा गया। तो जितनी जल्दी अगर हमारा कम्युनिकेशन इसके साथ रिवाइव हो जाता है विक्रम के साथ, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात होगी। और जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है तो उम्मीद भी फिर थोड़ी कम होती जाएगी, लेकिन अभी पूरी उम्मीद है। दरअसल शनिवार को सॉफ्ट लैंडिंग के वक्त आखिरी क्षणों में लैंडर विक्रम से इसरो का संपर्क टूट गया था। जिस वक्त इसरो का संपर्क टूटा तब लैंडर सिर्फ चांद की सतह से 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर था। अगर आप मुंबई में बेस्ट बस से एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं लेकिन रूट्स की जानकारी नहीं है, या बस में जगह मिलेगी या नहीं इस बात की चिंता है, तो चिंता मुक्त हो जाइए क्योंकि बेस्ट ला रहा है बस प्रवास नाम का ऐसा ऐप जो आपकी तमाम दिक्कतों को दूर कर देगा। आज इस ऐप को मुंबई में लॉन्च किया गया और इस दौरान शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे भी मौजूद रहे। उन्होंने बाकायदा बस की सवारी की। ये ऐप कैसे करेगा काम, इस पर बेस्ट के महाप्रबंधक डॉक्टर सुरेंद्र बागड़े से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सुबोध मिश्रा ने। इस बेस्ट प्रवास के ऐप में आखिरकार क्या क्या खासियत है, आइए हम जानते हैं। हमारे साथ जो बेस्ट के जनरल मैनेजर हैं सुरेंद्र कुमार, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार बागड़े जी, आइए उनसे बात करते हैं। सर बताइए, जो ऐप लॉन्च हुआ है क्या क्या खासियत है और किस तरह से ये लोगों को फायदा पहुंचाएगा? सी ऐप आप जो देख रहे हैं ऐप के पीछे, इसमें काफी टेक्नोलॉजिकल हमें प्रगति करनी पड़ी। तो आप अगर जब हमारा ऐप ओपन करेंगे तो ऐप में आपको, अगर आप समझो एक्सप्लोर ऑप्शन में जाते हैं तो आपको आपके आजू बाजू जो बस स्टैंड्स हैं वो दिखेंगे और फिर वहाँ से आपको अगर जर्नी करनी हो तो आप अपनी जर्नी चालू कर सकते हैं। जर्नी में ऐप में जाने के बाद दो मोड में हो सकता है, या तो डेस्टिनेशन आप सिलेक्ट कर सकते हैं कहाँ से कहाँ जाना है, या अगर आपको रूट मालूम है तो आप वो रूट नंबर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको आपकी जर्नी का प्लानिंग हो सकता है, मतलब आप कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं उसकी प्लानिंग हो सकती है। और वही चीज़ अगर आपको बस रूट नंबर मालूम है तो आप बस रूट नंबर के माध्यम से आप जान सकते हैं। ये मालूम होने के बाद में अगर बस आने वाली है तो बस कितने देर में आएगी, एक अप्रॉक्सीमेट आपको एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ अराइवल ETA ये आपको बताया जाएगा, और उसके बाद में आगे जो जर्नी करने वाली है वो कब कब पहुंचेगी वहां पर वो भी आपको बताया जाएगा।